नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। अ चेन रिएक्शन डाइज आउट, शुड द रीजन वाई दिस कुड हैपन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, और चेन रिएक्शन का वेरी फ्यू रिएक्शंस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये यही होती है कि हम यूरेनियम न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से बमबार्ड करते हैं। मतलब एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, काफ़ी भारी भरकम, 235 इसका मास नंबर है, इसमें हिट करते हैं एक न्यूट्रॉन से, तो ये स्प्लिट हो जाता है। इट गेट्स स्प्लिट इंटू टू मेन फ्रैगमेंट्स, इनको डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, विच आर बेरियम 141, 956 एंड क्या था ना, क्रिप्टन, हाँ 92 एंड 36। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, बेरियम 141, 56 एंड क्रिप्टन 92, 36 एंड 3 न्यूट्रॉन। तीन न्यूट्रॉन्स ये निकल जाते हैं ऐसे, एक दो और एक तीन, 1N0, 1N0 एंड 1N0। ये तीन न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, कि वन न्यूट्रॉन गोज ऑन टू कैरी आउट द रिएक्शन फर्दर, कैरी आउट द रिएक्शन फर्दर। ठीक है, दूसरा मोर देन वन गो ऑन टू कैरी आउट द रिएक्शन फर्दर। ये दो संभावनाएं हैं, इसमें क्रिटिकैलिटी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट में है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, क्रिटिकल स्टेट। और एक क्रिटिकैलिटी नंबर होता है, हम के से दिखाते हैं उसे, ऐसे में के की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे में के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। दैट मीन्स दिस वन न्यूट्रॉन गोज ऑन टू हिट एक और यूरेनियम न्यूक्लियस इन दैट सैंपल ओनली, एंड फर्दर कैरीज ऑन टू द रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी, 141, 56 क्रिप्टन 92, 36 एंड वी अगेन हैव 3 न्यूट्रॉन्स कमिंग आउट एंड सो ऑन। दिस इज वॉट एग्जैक्टली इट्स इज नीडेड। ये पसंद, ये नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, ये सही नहीं है। इसमें क्या होगा कि इतनी हीट जनरेट होगी कि यूरेनियम ब्लॉक जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो डाई आउट कब होगी? व्हेन के इज लेस देन 1, दैट इज व्हेन ऑन एन एवरेज। अब एक से कम न्यूट्रॉन तो कोई मतलब नहीं बनता ना, ये एवरेज बात की जा रही है। दैट इज व्हेन ऑन एन एवरेज लेस देन 1 न्यूट्रॉन कैरी आउट द रिएक्शन ये जो चेन चल रही है ना, कि एक न्यूट्रॉन चलता चला जाएगा, द चेन विल सून डाई। ओके, तो अल्टीमेटली हमें बस इतना लिखना होता है इस क्वेश्चन के लिए, वन मार्कर में सिर्फ हमें ये लिखना है, व्हेन ऑन एन एवरेज लेस देन 1 न्यूट्रॉन कैरी आउट द रिएक्शन द चेन रिएक्शन विल डाई। और यही रीजन है कि स्टेट द रीजन्स वाई दिस कुड हैपन, दिस इज द रीजन इट कैन हैपन, इसे क्रिटिकैलिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो तीन में से ऑन एन एवरेज अगर एक से भी कम न्यूट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, देन चेन रिएक्शन विल डाई सून। वी डोंट वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट के इक्वल टू 1। इन रियलिटी नॉर्मली के जो होता है वो 1, और मतलब अगर हम X1 और X2 ले लें तो X1 स्लाइटली लेस देन 1 होता है एंड X2 स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि के लाइज बिटवीन 1 एंड अ बिट लेस देन 1 एंड अ बिट मोर देन 1, इस बीच में के लाया करता रहता है। तो आपको रीजन तो मिल गया, छोटा सा रीजन है, लेकिन ये सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्चुअली सेवेंथ का और था, स्टेट आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, सेवेंथ का और आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर एक्चुअली द सेम फिजिकल एंटिटीज, एक्चुअली द सेम फिजिकल एंटिटी एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, मतलब मास से एनर्जी, एनर्जी से मास, ये होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है खुद अपने प्रख्यात रूप से, एंड इट इज गिवन एस EMC स्क्वायर।